आज के वीडियो में आपको आमिर खान की थर्ड शादी पर उनकी बेटी इरा खान के रिएक्शन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमिर खान और उनकी सेकेंड वाइफ किरण राव के बीच अगस्त 2021 में डाइवोर्स हो गई थी और तब से ही आमिर खान और फातिमा सना के बीच अफेयर्स की बातें सामने आ रही थीं। मगर ना तो आमिर खान ने और ना ही फातिमा सना ने कभी इन पर रिएक्शन दिया और अब आमिर खान के बारे में ये न्यूज़ सामने आ रही है कि आमिर खान ने अपनी को एक्ट्रेस फातिमा सना से थर्ड शादी कर ली है और वो शादी की अनाउंसमेंट भी करेंगे, मगर अभी नहीं, अभी वो वेट कर रहे हैं सही समय का और उनकी अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद वो अपनी थर्ड मैरिज की अनाउंसमेंट करेंगे। मगर अब ये खबर हर तरफ फैल चुकी है तो हो सकता है कि आमिर खान जल्द ही इस बारे में अनाउंस कर दें। आमिर खान की बेटी इरा खान उनकी थर्ड शादी को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और इस पर उन्होंने अपना फर्स्ट रिएक्शन दिया है। आमिर खान की बेटी इरा खान का कहना है कि आमिर खान ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली है जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड हैं। इरा खान इससे पहले भी कई मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही थी और इसके बारे में इन्होंने खुलकर बात भी की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह वो अपनी थेरेपी करवा रही हैं। और अब आमिर खान की शादी को लेकर वो फिर से डिप्रेशन का शिकार होने लगी हैं। आमिर खान की बेटी इरा खान अपने बॉयफ्रेंड नूपुर से शादी करने वाली थी मगर पैंडेमिक के कारण दोनों की शादी पोस्टपोन हो गई और अब दोबारा दोनों अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। मगर आमिर खान की शादी की सुनकर दोनों की शादी वहीं रह गई और इरा खान इस सब को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और वो फिर से अपने उसी सिचुएशन में जाने लगी हैं जिससे वो काफ़ी मुश्किल से बाहर आई थी। अब देखना यह है कि आमिर खान इरा खान के लिए क्या करते हैं और इरा खान को किस तरह इस मुश्किल से निकालते हैं। आपको इरा खान के फर्स्ट रिएक्शन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।